बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खोपरा मिठाई। तो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो आप देख लें। पिसा हुआ खोपरा लिया मैंने एक प्याली, सूजी ली है एक प्याली, खुश्क दूध लिया एक प्याली, गार्निश के लिए मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है, चीनी ली है एक प्याली, घी लिया एक प्याली। चलें अब हम सबसे पहले अपना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं खोपरा डालूंगी। खुश्क दूध लिया है मैंने एक प्याली, चीनी ली है एक प्याली, पानी लेंगे हसबे जरूरत। गाढ़ा सा हमने पेस्ट तैयार करना है। हमारा पेस्ट तैयार है, अब हम सूजी ब्राउन कर लेते हैं। चले आए, अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। दरमियानी आंच रखेंगे। एक कढ़ाही लेंगे, आप खुले मुंह वाली देश की भी ले सकते हैं। घी लिया मैंने एक प्याली, घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। हमारा घी गरम हो गया, अब हम अपनी सूजी ऐड करेंगे जो मैंने लिया एक प्याली। अब हम अपनी सूजी को अच्छी तरह भून लेंगे। सूजी को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। हमारी सूजी हल्की ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें अपना पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट डालने से पहले हम आंच हल्की कर देंगे बिल्कुल। पेस्ट डाल के हमने अच्छी तरह चम्मच मिक्स करना है। मुसलसल चम्मच चलाती रहे, नहीं तो ये इकट्ठा हो जाएगा।
चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच नहीं रोकना अपना हमें। हमारा पेस्ट जब तक घी ना छोड़ दे तब तक मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना है। देखिए हमारा पेस्ट गाढ़ा होना शुरू हो गया है, जब ये घी छोड़ देगा तो फिर हम इसे डिश में निकाल लेंगे। हमारे पेस्ट ने हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया है। याद रहे आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज आंच पे नहीं बनाना, नहीं तो ये अच्छी तरह नहीं तैयार होगा। आंच इसलिए हल्की रखनी है कि हमारे पेस्ट में कच्चापन ना रहे और नीचे भी ना लगे। माशाल्लाह हमारा पेस्ट कितना अच्छा और ठीक तैयार हो रहा है।
हमारा पेस्ट तैयार है, बस घी छोड़ने लगा। 2 से 3 मिनट और हम फ्राई करेंगे इसे, भून लेंगे। हमारे पेस्ट ने घी छोड़ दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी मिठाई तैयार है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब हम अपनी डिश में अच्छी तरह से फैला लेंगे, ये ठंडा हो जाए। ये हमने अच्छी तरह फैला लिया है, ये ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह हम पीसेस काट सकें। अब मैं इस पे पिस्ता डालूंगी जो मैंने गार्निश के लिए लिया था। बादाम लूंगी, अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए ठंडा होने। हमारा पेस्ट ठंडा हो गया था, मैंने इसे स्लाइस की शेप में काट लिया है। आप इसे मुख्तलिफ शेप में काट सकते हैं, ये बहुत लजीज और मज़ेदार है। आप इसे मेहमानों के आगे भी सर्व करें और ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी रेसिपी मिल सके। मेरी न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें।